देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं। देश के 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, गरीबी रेखा का राशन ले रहे हैं। अब केवल 55 करोड़ लोग बचे हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी। हमारा फोकस उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाली 57 सीटों पर खास तौर से रहेगा। जी हाँ, ये कहना था समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल का। आइए सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान रामायण सिंह ने क्या कुछ कहा। अच्छे निकल रहे हैं, अगर ये युवा नौकरी पे आएंगे तो ये अच्छे से अच्छा काम करेंगे। अपनी योग्यता के आधार पर, अपने युवा पीढ़ी के आधार पर अच्छी मेहनत से लगन से काम करेंगे तो सरकार ये बंद करे। हम तो ये तात्पर्य मानते हैं कि जो उसने खाना खा लिया सरकार उसी को खाना दे रही, जो भूखा है वो भूखा रह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में ले आए, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को राशन पानी दे रहे हैं। केवल 55 करोड़ लोग ही अब बच रहे हैं जो कि राशन से प्रधानमंत्री जी के दूर हैं। और प्रधानमंत्री जी तो देश की सारी संपत्तियों को बेचने का ध्यान दे रहे हैं और बेचने में ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव प्रचार के समय में ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री न हो के ये प्रचार मंत्री हो गए हैं, इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं। कभी भी आज तक का रिकॉर्ड 75 साल का देखा जाए, कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह चुनाव प्रचार नहीं किए। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं तो एक दिन नेट में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी ऐसा राष्ट्रीय स्तर का उद्योग अपने देश में नहीं खोल पाए जिसमें लोगों को रोजगार दिया सके और बेरोजगारी दूर की जा सके। और अन्य प्रधानमंत्रियों का उदाहरण देखें तो किसी ने 2, किसी ने 3 अपने कार्यकाल में ऐसे उद्योग खोले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं खोले। दूसरी बात, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, ये विकास के मुद्दों को भटका करके इनका केवल सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे आज जिसको मंदिर में जाना हो मंदिर में जाएगा, जिसको मस्जिद में जाना हो मस्जिद में जाएगा। सरकार का ये काम नहीं है, लेकिन सरकार विकास के मुद्दों को भटकाने के लिए लोगों का ध्यान इस तरह खींच ले जाती है कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो जाए, सांप्रदायिकता हो जाए। इसी प्रकार हरिजन आदिवासी गरीब किसानों का हाल है, किसान बेहाल हो चुका है। आज विश्व के कई देशों में देखिए कि किसानों के लिए स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में या कि केंद्र में किसानों के लिए पैसा नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की किसान एक साल पूर्व से मांग करते रहे हैं, आंदोलन करके, लेकिन नहीं लागू की गई। सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों लाख करोड़ रुपए कर्जे माफ़ कर रही है, लेकिन किसानों का 50,000 कर्ज माफ़ करने के लिए पैसा नहीं।